Hi Marys, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click the notification bell so don't miss out any further updates. You can follow me, also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. Sare link description box mein. Namaste, this is Dwija aur kaise hain aap? Hum dekh rahe Gaurav Kapoor ka recent upload kiya hua roast. It's a stand-up comedy, which is also a roast, Zomato roast. आई थिंक बहुत रिलेटेबल होगा बिकॉज जोमैटो मेरे दिन दो तीन दिन में एक बार आता ही है. आई एम गिल्टी ऑफ इट, येस आई एम. बट ये किस टॉपिक पे एग्जैक्टली होने वाला है रोस्ट, आई डोंट नॉट नो, बट विल सी होपफुली. एंड लाइक ऑलवेज उम्मीद करते हैं मज़ा आएगा. लेट्स गो प्ले. ओके जोमैटो, ये पता क्या है ये? और जोमैटो कैसा है ना, आप भाई साहब खाना खा के बैठे हो, पेट भरा हुआ है आपका, बकायदा पेट भरा. दोपहर को 2:30-3 बजे आप खाना खा के बैठे हो, एकदम रिलैक्स होकर दाल चावल खा लिया, एक झटके से फोन में पुश नोटिफिकेशन आया, सुनो बर्गर खाओ. और फिर तुम्हें लग रहा है बहन बर्गर बन रहा है. भाई बर्गर कहाँ पे बन रहा है यार. हाँ भाई तुम्हें मार्केटिंग करनी है, सिंपल मार्केटिंग कर लो ना, ऑर्डर फूड, ऑर्डर दिस, दिस इज द डिस्काउंट राइट नाउ. इनकी मार्केटिंग ऐसी आपकी फट जाए कई बार को. ये आपकी पूरी जिंदगी के अंदर घुस गए. हाँ सर ऐसे ही मैसेज आते हैं, और आज शाम की चाय हो जाए क्या? आई एग्री. मेरी लगा चाय, मेरा उस टाइम चाय का मूड हो रहा था. मैंने भाई मैंने चाय ऑर्डर करी, दूसरी चुस्की मारी, मट्टी नहीं मंगाओगे क्या? What is mutti? Is it something that you have with chai? हमारे उसको मट्टी कुछ. I don't know. इनके भाई ऐसे मैसेज आते मेरी फट जाती है. ये पूरा गर्लफ्रेंड है आपकी, लड़कों की गर्लफ्रेंड, लड़कियों के बॉयफ्रेंड है, इतना चेप हो गया आपकी जिंदगी के अंदर. इनका अब एक यही वाला मैसेज आना बचा है, मेले बाबू ने थाना खाया. आपको भी लगता है ऑर्डर कर दो भाई, क्योंकि प्यार से खाने के लिए कौन पूछता है. ये आधी दिल्ली की छोले भटूरे की दुकानों पर चले जाओ, ओनर डांट देता है नीचे निकल. इतने प्यार से कौन, कभी मम्मी पापा बचपन में पूछते थे ना, एक टाइम के बाद माँ बाप भी नहीं पूछते. और मैं तो भाई इतना खाता था, इतना खाता था, मेरी मम्मी कभी पूछती नहीं थी खाना खाएगा. वो सीधा पूछती थी और कितना खाएगा. सेम, अब नहीं मिलेगा. हाँ क्योंकि बनाना उनको होता था ना, रोटी बनाने से पहले ही पूछ लेती थी, 3 खाएगा 4 खाएगा 5 खाएगा, अभी बता कितनी खाएगा, उतनी बनाऊ मैं. एक बार मेरे पापा नाराज हो गए, कह रहे अरे खाते टाइम गिनते नहीं है कभी. भाई मेरी मम्मी चिमटा निकल लेके बाहर, कह रही बिना गिने 8-8 पराठे खा चुका हराम जादा, तुम्हारे बस की तुम बना लो यहाँ पे आके. भाई मैंने उस दिन माँ की ममता को पराठे की धूम मोड़ते देखा था. इतना गाना गाता था यार. जोमैटो जो था ना पहले, इट वॉज इट स्टार्टेड एज अ डाइनिंग रिव्यू ऐप, पता है ना, जब डाइनिंग आप होटल रेस्टोरेंट फूड डिलीवरी. और आजकल तो ये लोग प्रॉपर कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं. कंटेंट क्रिएट मतलब कि ये इंस्टाग्राम वगैरह पे ज्यादा एक्टिव है, यूट्यूब पे भी. हाँ एक घंटे में 4-5 पोस्ट आते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे. और यहाँ मुझे रेस्टोरेंट से मैसेज आता है ऑर्डर करते टाइम, रेस्टोरेंट इज टेकिंग मोर टाइम टू प्रिपेयर योर फूड. ट्विटर पे पोल चल रहा है, इन लोगों ने पोल चलाया हुआ, सो एंजॉयड योर फूड टुडे. मैं कहा भैया आए तो सब पहले. मैं कहा दो बंदे ट्विटर की टीम से निकाल के यहाँ कॉलिंग पे लगा दो ना, जो मेरा खाना डिलीवर करा दे. नहीं सच में भाई, उस दिन इन लोगों ने ट्विटर पे पोल चलाया हुआ था, So what are you cooking today? अच्छा. और इस देश की जनता इतनी हरामी, उसके नीचे ब्रेकिंग बैड की फोटो. कह रहे आज तो आलू मेथी बनेगी. चल रहा है भाई कुछ भी यार. उस दिन मैं जोमैटो खोला ऑर्डर करने के लिए, एक रेस्टोरेंट खोला सर, उसके आगे आर रेकमेंडेड लिखा होता है आजकल, देखा कुछ डिश के आगे. तो मैंने देखा मशरूम के आगे रेकमेंडेड लिखा था, मैंने ऑर्डर करा, भाई बहुत टेस्टी मशरूम था. अच्छा. अगले दिन मेरा सेम मन हुआ, मैंने दोबारा खाएंगे. मैंने सेम रेस्टोरेंट खोला, उस दिन पनीर के आगे रेकमेंडेड लिखा हुआ, मशरूम क्या है पनीर पे चला गया रेकमेंडेड. मैंने रेस्टोरेंट फोन करा, मैंने कहा भैया वो कल मशरूम रेकमेंडेड था, पनीर रेकमेंडेड है.
कह रहा भैया वो कल मशरूम बच गया था, आज पनीर बच गया। और जिस हिसाब से चल रहा है कल गोभी रिकमेंडेड हो गई है। अभी से बता देता हूँ आपको यार, कुछ भी चल रहा है यार। ये राइडर वाइडर के लिए कितना काम करते हैं यार, जोमैटो वाटो देखा है आप लोगों ने, इनके राइडर के लिए कैंपेन्स चल रहे हैं, है ना, कैंपेन वगैरह चलाते हैं कि इनकी एजुकेशन फंड करो, ये सब करो। हम लोगों को बोलते हैं इनकी टिप दो, भाई मैं भी राइडर हूँ अपने 15-20 साल अपने घर वालों को। और ये ऑलमोस्ट सभी लोग रहे अपने घर वालों के राइडर, घर पर मिली कभी इतनी इज्जत? कभी हुआ है कि आप पापा के लिए भुजिया लेके आए चलने में और पापा ने ले बेटा 50 रुपये रख ले? कभी नहीं भाई, मेरे को एज अ राइडर कोई इज्जत नहीं मिलती थी। और घर वाले आपको राइडर ऐसे टाइम पे बनाते हैं ना, मम्मी स्पेशली, टीनेज में आप जब स्टड बन के मोहल्ले में निकल रहे हो ना शाम को, तब झटके से आवाज आती है, अंडे ले आवा भागके। यार अभी तो ब्रिल क्रीम लगाई थी यार, ब्रिल क्रीम लेके भैया अंडा दे दो यार, अंडा देना भैया थोड़ा यार, एक मम्मी ने मंगाया। और ये वाला राइडर तो फिर भी ठीक है भाई, कि मम्मी पैसे देती थी, दुकान पे जा बेटा पैसे देके सामान ले आ। भाई मेरी माँ तो मुझे ऐसी ऐसी जगहों भेजती थी ना खाना लाने के लिए, कभी आपको भेजा एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में थैली लेके भंडारे के बाहर? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, जिस दिन मोहल्ले 5 किलोमीटर में जहाँ भी भंडारा लगता था ना, उस दिन बेटा लंच यही है खाना बनता रहा मंदिर में लेकर गया, तो मोहल्ले का स्टर्ट निकलता तो ब्रिल क्रीम ले आकर, एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में थैली, भैया जरा डालना आलू, सो कूल, आलू और डाल दो, बहुत लोग है घर पे, और डाल दो हलवा, ये थैली हलवे के लिए, ये लो थैली भी तैयार है। नहीं ऐसा नहीं भेजा है, एक तो ये सिख लोग इतनी मेहनत कब करते हैं, छबील करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कितना छबील वाला काम होता है। भाई वो किसके लिए होती है, जो ट्रैवलर सड़क पे चल रहे हैं धूप में परेशान है, उनके लिए नहीं होती, जो मम्मियां घर पे ऐसे लेटी पड़ी है, बेटा वो छबील लगी है, वो फैंटा की बोतल पड़ी है 2 साल पुरानी, वो लेके चले जा भाई, 2 लीटर की बोतल लेके छबील, उनके पास मग्गे लेके भैया भर रहे धीरे 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 धीरे, आधी बोतल, अरे हो गया भैया घर पे कितने लोग हैं, मैंने कहा भैया 50 लोग डालो। एक तो ये तो करती थी और साथ में बोलती थी अपना वाला ग्लास पी के आइए। A mom thing to say. सही है। एक तो ना क्या है, Zomato पे आपने देखा आजकल वो आ गया क्लाउड किचन, वी ऑल अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाउड किचन, है ना, ये बात फैली हमारे विकास पुरी में। I don't live there. और विकास पुरी में चाइनीज विस्पर नहीं होती, वहाँ विकास पुरी विस्पर होती है। विकास पुरी विस्पर फैले और मम्मी की तरफ, ये जो क्लाउड किचन मतलब किचन से खाना ऑर्डर करो, किचन खोल के, अच्छा, बात फैल फैल के मेरी मम्मी के कान तक पहुंची और उसकी इंटरप्रिटेशन उनकी किट्टी में निकली, okay, कि जो खाना किचन में बच जाए, अच्छा, वो Zomato पे डाल, अच्छा, like that cloud kitchen। हाँ, सच बता रहा हूँ भाई, उस दिन मैं घर गया अपने थोड़ा विकास पर घर गया बैठा हुआ था, मम्मी कह रही सुन मेरी बात, ये खोल अपना कंप्यूटर, मैं क्या हुआ, कह रही भिंडी बच के डाल, मैं क्या कह रहे हो, कह रही वो मीना आंटी बचा रही थी घर का खाना बिक रहा है आजकल Zomato में, लोग किचन से बना बना के बेच, मैंने कहा मम्मी वो क्लाउड किचन अलग होता है, ये किचन का खाना नहीं बिकता यार, कैसी बातें कर रहे हो उल्टी सीधी, भाई इमोशनल ही हो गई, इमोशनल, कह रही तुम लोग ना माँ को कभी आगे नहीं बढ़ने दो, माँ अपना एक काम शुरू करने की सोचती है, तुम वहीं रुकवा दोगे उसका, कह रही जब ये Zomato वाटो नहीं देते आटा टाइम वही खिलाया करती थी, याद नहीं है तेरे को, कह रही चल ठीक है भिंडी तो कौन ही खाएगा, ये दोपहर का चिकन बचा, ये डाल दो, मैं कहा मम्मी वो चिकन मैंने दोपहर को Zomato से मंगाया, अरे आप कह रहे हो सेकंड हैंड चिकन Zomato बना दे क्या? मैं रहता हूँ वैसे फरीदाबाद दोस्तों, मैंने देखा मैं फरीदाबाद दिल्ली मतलब आता जाते रहता हूँ, मैंने देखा यार Zomato जब भूख लगी मुझे देखा तरीके से काम करता है, दिल्ली में अलग तरीके से काम करता है, नोटिस करा आपने ये चीज कभी? नहीं, क्योंकि फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है और हरियाणा का खाना थोड़ा बेटर है दिल्ली से, नहीं मतलब हेल्थ वाइज, स्वाद वाइज तो पता नहीं पर हेल्थ वाइज थोड़ा बेटर है ना, वहाँ के हरियाणा के लोग तगड़े होते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, देखा आपने, मतलब उनके खाने में मैंने देखा तो कभी हेल्दी ये सब सामान और रेकमेंडेड में आता रहता है, इनफैक्ट मैंने नीरज चोपड़ा की एड भी देखी थी जिसमें नीरज चोपड़ा बोल रहा था जी दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा। नहीं मतलब जहाँ दूध दही का खाना है वो हरियाणा है, दिल्ली में वही चल रहा है, शाम में खाए मोमो विद चटनी चिल्ली यो हमारा दिल्ली। लव मोमोज, दूध दही भी पसंद है मुझे लेकर। नहीं मैं सच में सोच रहा भाई, मैं सोच रहा हूँ Zomato के जरिए अपने शो बेचना शुरू करूँ, हैं, क्योंकि सब कुछ उस पर आ ही गया, सब कुछ आ गया ना उसके ऊपर, थोड़ा टाइम में उसके ऊपर तबेला आने वाला, हाँ एकदम रॉ दूध ही ऑर्डर करो तुम और लोग उसको भी रिव्यू कर देंगे, तबेले में भैंसों का रिव्यू चल रहा, डोंट ऑर्डर मिल्क फ्रॉम लाजवंत, हर मिल्क इज नॉट दैट गुड, आई वुड ऑलवेज प्रेफर शर्मिला, ऑल्सो रॉन्ग, ओह माय गॉड, ओवर लाजवंत इज मेरी। नहीं मैं सोचा Zomato पे अपने शो बेचना शुरू करूंगा इस तरीके से, Zomato आप लोग ऐप पे पुश नोटिफिकेशन शो बेचो इस तरीके से, पूरा जिंदगी में घुस जाओ, क्या कर लोगे घर में दुखी बैठ के, आज और शो पे दो ठाके लगा।
आई थिंक मेरा फेवरेट है इनके सारे वीडियोस. वैसे आपको पता नहीं है पर Zomato का इंटरसिटी लेजेंड्स भी आ रहा है एक चीज. बेसिकली राइट 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 टुंडे कबाब दिल्ली में मंगा सकते हो. क्या बात है. हां डिलीवरी सोचो. बस मैं तो इसलिए नहीं मंगाऊंगा क्योंकि मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे. क्योंकि रिश्तेदार जब दूर से आते थे उनकी कुछ तो एक यूनिक पॉइंट होता था ना. राइट कि लखनऊ वाले मामा जी आ रहे टुंडे लेके आएंगे. अब हमें मामा जी की कोई जरूरत नहीं है. अब हमारा टुंडे आ रहा है Zomato से. दिस हैज टू बी माय फेवरेट और आई थिंक उनका सबसे बेस्ट मेरे लिए. खाने की कोई बात होती तो मुझे ज्यादा ही अच्छी लगती है बट आई लव्ड इट. जेन्युइनली लव्ड इट वे टू मच. बहुत हंसी हूँ. बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा स्टैंड अप देखने को मिला. आई थिंक आई हैव लव्ड दिस मच बहुत टाइम पहले जब मैंने अभिषेक उपमन्यु का क्राइम पेट्रोल वाला किया था. स्पेशली वो आई थिंक उसमें मुझे स्टार्ट से एंड तक सांस लेने का टाइम नहीं मिला था बिकॉज आई वॉज लाफिंग ओ अगेन अगेन पंच लाइन्स आफ्टर पंच लाइन्स. और ये वाला एग्जैक्टली उससे मेरे लिए उसके टक्कर का है. आई थिंक दिस डिजर्व्स मिलियंस ऑफ व्यूज़. अभी तो कल ही अपलोड हुआ. आई अग्री बट सीरियसली आई दिस वॉज अमेजिंग. आई टेल यू मेरे पुश नोटिफिकेशन में भी वो ऐसा ही कर दे. आई थिंक आई हैव पुट देम इन टू स्पैम क्योंकि मैं भी बहक जाती हूँ. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ईट हेल्थी एज मच एज पॉसिबल बट देन यू नो मैसेज आता है एंड देन हाफ ऑफ देम एक्चुअली आर मैंने ऑर्डर किया हुआ है. But I also ordered a lot of salads and stuff like that. But ठीक है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी तो कम ही होती है और चीज़ों से. एंड आई एम ओके वट एवर लेट्स नॉट वर्स इन दिस. लेकिन जो बीच में मेरा स्टमक रोल किया शीश आई एम सॉरी मेरे हाथ में नहीं है. इट्स जस्ट अ बॉडी फंक्शन जो खाने को रिस्पॉन्ड कर रहा है. देखो ये मैं क्या करूँ. बट आई लव्ड दिस. होप यू गाइस एंजॉय एज वेल. I don't know. I spoke nothing, like, I just enjoyed it. That's it. Sometimes words are not enough. Ya fir, haan, matlab, kuch bolne laik hota nahi hai. It's just all in the fun, all in the emotions. And I think ye waisa hi tha. And I'll see you guys next time. Bye, berries. Love you.